सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले को लेकर के सुनवाई हुई है। तो नीट पर सुप्रीम सुनवाई, नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है। एनटीए को एससी ने जारी किया है नोटिस। तो खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 0.01% भी अगर गड़बड़ी है तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, आज की सुनवाई बेहद अहम। आपको बता दें कि एनटीए को एससी ने नोटिस जारी किया है और साफ तौर पे कहा है कि अगर 0.01% भी गड़बड़ी मिली तो हम सख्ती बरतेंगे, हम स्टूडेंट्स की मेहनत को समझते हैं और इसी के हिसाब से फैसला चाहेंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से खबर, जहां नीट पर सुप्रीम सुनवाई हुई है, नीट विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि एनटीए को एससी ने नोटिस जारी कर दिया है और इसमें कहा गया है कि अगर जरा भी गड़बड़ी होती है तो हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे और स्टूडेंट्स की मेहनत को हम समझते हैं और जो मेहनत है स्टूडेंट्स की वो ज़ाया नहीं जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां नीट मामले को लेकर के सुनवाई की गई है। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले को लेकर के सुनवाई की गई है। आपको बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है और कहा है कि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं, अगर ज़रा भी खामी मिलती है तो इसे सख्ती से निपटेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तो एससी ने 2 नई याचिकाएं पुरानी याचिकाओं से जोड़ी हैं और इस मामले पर सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई बेहद अहम और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, नीट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ रहा आज की सुनवाई में? देखिए, सबसे बड़ी बात है लगातार इस पर जो सुनवाई चल रही थी उनमें 2-3 मामलों को क्लब कर दिया गया था। पहली अपील शिवांगी मिश्रा की थी, दूसरी अमानतुल्लाह खां की थी और तीसरी एक और अन्य जो अपील थी उस पर आज सुनवाई होनी थी। और उस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि अगर 1% भी आपकी गलती निकली, यानी एनटीए की गलती निकली, तो उस पर अब कार्रवाई होगी। और पूरे मामले को 8 जुलाई तक क्लब करने की जो बात कही जा रही थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। 8 जुलाई को ही फाइनल इसमें बयान होगा और फाइनल इससे निर्णय होगा कि आखिरकार क्या पक्ष अपना प्रस्तुत करता है, एनटीए और सरकार दोनों तरफ से जवाब मांगा है कोर्ट ने। और ये भी कहा है कि अगर गलती होगी तो कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि जिस तरीके से सुनवाई के दौर में पहले जो अपील थी उसमें कुछ तथ्य नहीं आ पाए थे, वो शिवांगी मिश्रा जो छात्रा थी वो उनकी तरफ से अपील थी, उनके पास वो तथ्य नहीं थे। लेकिन दूसरे पक्ष में जो तेलंगाना के और कर्नाटक के दो छात्र थे उन्होंने जो अपील की थी उसमें उन्होंने बाकायदा सबूत भी दिए और तमाम जो ग्रेस मार्क को लेकर जो आपत्ति जताई जा रही है उसके साक्ष्य भी प्रस्तुत कराए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को पूरी गंभीरता से देखने के लिए कहा कि हम इस पर 8 जुलाई को पूरी बहस को सुनेंगे, तब तक आप अपनी कार्रवाई पूरी करिए और आप अपने स्तर से ये मान के तैयार रखिए कि आपको जवाब देना ही होगा। इस पर कोई भी संशय नहीं है कि आपको इसमें जवाबदेही से बचा जा सकता है, क्योंकि आपकी एक प्रतिष्ठा है और अगर प्रतिष्ठा पर सवाल उठता है तो जाहिर सी बात है जवाब आपको ही देना होगा। तो इसको लेकर भी एनटीए में खासा हड़कंप है। आज की सुनवाई में भी एनटीए ने अपने पक्ष को रखने की कोशिश की है और 8 जुलाई तक का ये समय पूरी तरीके से मांगा भी है कि हम पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपको देंगे और जो जो गलतियां होंगी। हालांकि एनटीए ने इस बात को मान भी लिया था पिछली बार कि ग्रेस मार्क देना ये हमारी गलती थी, इसको हम मानते हैं, लेकिन कोर्ट इस पर अभी भी तटस्थ है। वो कह रहा है कि 8 जुलाई को पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई करेंगे, तब तक आप अपने सभी पक्ष और सभी साक्ष्य इकट्ठा कर लीजिए, संकलित कर लीजिए और एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को सौंपिए। बिल्कुल विजय जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो पुरानी याचिका है उसके साथ 2 नई याचिकाओं को भी जोड़ा गया है, क्या कुछ है इन याचिकाओं में? देखिए, पहली याचिका शिवांगी मिश्रा की थी और उन्होंने कहा था कि जो ये एनटीए ने जो टेस्ट कराया है वो पूरी तरह से गलत है और ग्रेस मार्क की जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है ये भी गलत है और ग्रेस मार्क जिन छात्रों को दिया गया है उसके हिसाब से कट ऑफ लिस्ट काफी नीचे चली गई है और अब उन जो कट ऑफ लिस्ट में जो 600 अंक की कट ऑफ लिस्ट होती थी अब वो
720 यानी टॉपर्स के पास 720 नंबर आया करते थे, अब सभी लगभग 1523 बच्चों के पास 720 नंबर थे। इसके बाद ये याचिका एडमिट हुई और इस पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने कहा, जिसमें जो अवकाश प्राप्त पीठ थी उन्होंने साफ कहा कि हम इस पूरे मामले को सुनेंगे, ये मामला जायज नहीं लग रहा है। इस पर उसके बाद ही अगली 23 तारीख को एक और याचिका है, उसको भी इसी में क्लब किया गया, लेकिन उसकी सुनवाई भी 23 तारीख को है और माना जा रहा है कि उसको भी 8 जुलाई के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा और 8 जुलाई को तीनों याचिकाओं को एक साथ क्लब करके सुनेगी सुप्रीम कोर्ट। और डबल बेंच की जो ऑर्डर की जो बेंच है, ये इस बात को पूरी तरीके से मान भी चुकी है कि एनटीए अपने काम में पूरी तरह लापरवाही दिखा रहा था और उसकी लापरवाही की वजह से ही छात्रों का भविष्य अंधकार में पहुंचा है। अब देखना यही है कि एनटीए को इस पूरी परीक्षा से अलग किया जाता है या एनटीए को इस पे कोई नए साक्ष्य नए कोई तथ्य लाकर सामने अपने आप को बचा लेगी, या फिर छात्रों को अपने जो इंसाफ जो लगातार मांग रहे हैं क्या उन्हें एक बार फिर से इंसाफ मिलेगा, ये एक देखने वाली बात होगी 8 जुलाई को। जी विजय जी, अगर बात करें छात्रों की, तो जिस तरीके से आज की सुनवाई हुई और जिस तरीके से स्टेटमेंट जारी किया है एससी ने, क्या रुख है छात्रों का? लेकिन छात्र पूरी तरह से एक सुर में हैं, उनका साफ कहना है कि एनटीए को इस पूरी परीक्षा से हटाया जाए और एनटीए कोई भी परीक्षा आयोजित करेगी तो उसमें छात्र सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो एक गलती करते हैं तो उसके साक्ष्य भले न छुपाते हो, लेकिन एक ये बड़ा एक घोटाला सामने आया है और एनटीए लगातार ऐसी गलतियां करता रहता है, तो छात्रों का तो स्पष्ट संदेश है कि वो एनटीए की परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। अगर एनटीए को दोबारा परीक्षा कराने का अवसर मिलेगा तो छात्र उससे अलग हो जाएंगे, जाहिर सी बात है इसके बाद अगर छात्र अलग हो जाएंगे तो एनटीए परीक्षा कराएगा किसकी, एक बड़ा सवाल है। इसलिए जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कहीं ना कहीं इसके जवाब निकालने की कोशिश भी की जा रही है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो फैसला हो वो छात्रों के भविष्य के खिलाफ ना हो बल्कि उनके जो भविष्य है उसमें सहयोग करे। जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है और कहा है कि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं और अगर 0.0% की भी खामी मिलती है तो सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 2 हफ्तों में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई की बात करें तो 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।